गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना छपाई, यानी हमने कल जो बात की थी छपाई पे, पहले उसको रिकॉल करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उसको दोबारा से देखेंगे, और इसके बाद हम अपना नया जो हमारी भी बकाया रह गई है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो कल जब छपाई की बात की थी तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि रंगाई और छपाई में अंतर पे बात की थी, यानी हम रंगाई कैसे करते हैं और छपाई कैसे करते हैं। जब रंगाई की बात की थी तो उसमें देखा था कि हमने कलर को क्या किया था, पानी में घोला था और गोल के ही फॉर्म में कपड़े को डाल दिया था, वो क्या हुआ था, हमारी रंगाई हो गई थी। जब छपाई की बात की थी तो रंग किस फॉर्म में था, यानी पेस्ट के फॉर्म में था, थोड़ा गाढ़ा फॉर्म था जिसका, जैसे आप टूथपेस्ट की बात करते हैं तो वो भी एक गाढ़े फॉर्म में होता है, इसी तरह हमारे छपाई वाले रंग भी होते हैं। उनको आप क्या करते हैं, उनको कपड़े पे, यानी कि पूरा डुबो के, इनको घोल के ना कपड़े की सतह पर ही लगाते हैं। सतह पे लगाने से क्या हो जाता है, उसकी जो सतह है वो कैसी हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, यानी उस पर जो नमूने हम अंकित कर देते हैं उसी में क्या हो जाते हैं, नमूने में कलर भर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, छपाई कहते हैं। फिर आपने बात की थी कि जो हमारी रंगाई है वो क्या है, यानी उसमें जो रेशे थे वो पूर्णता अवशोषित कर ले रहे थे कलर को, और छपाई में क्या था, तो उसकी सतह पर ही कलर रुक जा रहे थे या ठहर जा रहे थे। फिर आपने छपाइयों में कुछ छपाइयां भी देखी थी, जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारी ठप्पा छपाई थी या ब्लॉक छपाई जिसको कहा था, उसमें आपने देखा था कि जो ठप्पा है, यानी हमने लकड़ी के कुछ नमूने तैयार किए थे, कुछ ठप्पे तैयार किए थे, और उनसे क्या किया था, आपने जो कपड़ा तैयार किया था उस पर नमूने पे, यानी ठप्पे पे हमने कलर लगाया, और कलर के बाद हमने क्या किया, यानी अपनी डिजाइन को तैयार कर दिया था। इसमें आपने देखा था कि इसमें जो नमूने थे वो कितनी गहराई के थे, यानी आपने जो अंकित किए हैं, जो आपने नमूना तैयार किया है लकड़ी का, जो आपने ठप्पा तैयार किया है उस पर जो गहराई ले गई थी वो आधे इंच की थी, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कलर कितने उपयोग किए जाते हैं, तो बहुत सारे कलर उपयोग किए जाते हैं। इसके बने हुए कपड़े कैसे मिलेंगे आपको मार्केट में, तो महंगे मिलेंगे, यानी क्योंकि इसमें श्रम भी बहुत ज्यादा लग रहा था। फिर आपने देखा था श्रम के आधार पर ये महंगे हो गए थे, समय भी इसमें बहुत ज्यादा लग रहा था। जब आपने रोलर प्रिंटिंग की बात की थी, दूसरी हमारी प्रिंटिंग क्या थी, रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग में आपने देखा था कि जिस तरह हम ठप्पे से अपनी प्रिंटिंग कर रहे थे, उसी तरह हमने क्या किया, उसी रोलर्स को, एक बड़ा सा रोलर्स लिया और रोलर्स पे ही नमूने अंकित कर दिए, उनको भी गहराई से उतना ही अंकित कर दिया जैसे हमारे क्या थे, ठप्पे थे। उसमें आपने कलर का फिल किया उस रोलर में और कपड़े के ऊपर उसको घुमाते गए, और जो हमारा कपड़ा था उसमें डिजाइन बन के तैयार हो गया। ये हमारा ठप्पे का ही एक रूप है, लेकिन ये क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, यानी उसमें हमें एक एक करके ठप्पा लगाना होता है, लेकिन जब हम रोलर की बात कर रहे थे तो एक साथ सारा कपड़ा क्या हो जा रहा था, प्रिंट हो रहा था। फिर आपने डुप्लेक्स की बात की थी, यानी आपने भी बात की थी द्विपक्षीय छपाई की, उसमें आपने देखा था कि क्या कर रहे थे, जो कपड़ा था उसके ऊपर भी उतना ही कलर था जितना उसके नीचे था, यानी आप कपड़े की दोनों तरफ एक जैसा कलर दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, डुप्लेक्स छपाई कह रहे थे। उसमें आपने देखा था बहुत सारे नामों से भी जाना जा रहा था, जिसको आप द्विपक्षीय भी कह रहे थे, सिंगल प्रिंटेड भी कह रहे थे, सिंगल साइड प्रिंटेड भी कह रहे थे, इस तरह से आपने उसके और भी नाम देखे थे, जिसको हम क्या कह रहे, दो रुखी छपाई भी कह रहे थे, डबल छपाई भी कह रहे हैं, या डबल प्रिंटिंग जिसको कह रहे हैं। तो आपको नाम भी याद रखना है कि किस छपाई के और नाम भी होते हैं, तो नाम आपके ज्यादा मायने रखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि डुप्लेक्स छपाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी द्विपक्षीय छपाई को ही डुप्लेक्स छपाई भी कहते हैं, डबल प्रिंटिंग भी कहते हैं, दो रुखी छपाई भी कहते हैं। इस तरह से हमने किस पे बात की थी, डबल छपाई पे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी फ्लॉक प्रिंटिंग पे, कि फ्लॉक प्रिंटिंग क्या है, हम फ्लॉक प्रिंटिंग पे बात करेंगे, ये प्रिंटिंग यानी हम कैसे करते हैं, तो इस प्रिंटिंग में होता क्या है, आप क्या करने वाले हैं, यानी जब आप इस प्रिंटिंग को करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक कपड़ा लिया है आपने, जो आपने कपड़ा तैयार किया है उसमें क्या करेंगे, आप छोटे छोटे रेशे लेंगे और रेशे को क्या करेंगे, यानी मुझे जितनी डिजाइन तैयार करना है एक रेजिन की सहायता से वहां पे चिपका देंगे, रेजिन लेंगे, कोई गम लेंगे और उसको क्या कर देंगे, यहाँ चिपका देंगे। मैंने दूसरा भी नमूना लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, रेशे या कुछ मुझे जो कपड़े की जो टुकड़े काटे या मुझे जो भी इस पर सजावटी रूप देना है वो इसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। आप रेजिन की सहायता से जब चिपकाएंगे तो ये प्रिंट का रूप ले लेगी, ये एक बहुत अच्छा नमूना तैयार करेगी, इसको क्या कहेंगे, फ्लॉक प्रिंटिंग कहेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्लॉक प्रिंटिंग और क्या होता है, राइट, क्या कह रहा है फ्लॉक प्रिंटिंग, या इसको कहते हैं फ्लॉकिंग, क्या कहेंगे इसको, फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग प्रिंटिंग, फ्लॉक कहे चाहे फ्लॉकिंग कहे, आपको याद रखना है कि फ्लॉकिंग भी किसका नाम है, इसी का नाम है। तो आप क्या करेंगे, रेशे के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, रेशे के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और उससे क्या करेंगे, आप तो
टुकड़ों को आप लोग क्या करेंगे, रेजिन की सहायता से। अब रेजिन तो आप समझ रहे हैं ना कि जो चिपकाने वाले पदार्थ है उनको क्या कह दिया गया है, रेजिन कह दिया गया है। जैसे में आप गम का प्रयोग करते हैं, कोई आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में भी जब आप कोई वो करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि आपने क्या कोई अच्छी सी वो बनाने जा रहे हैं, सजावटी फॉर्म देने जा रहे हैं, या कोई किसी एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ एक्टिविटी मिली है जिसमें मुझे कोई अच्छा सा सजावटी फॉर्म देना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, दूसरे कोई रेशे ले लेंगे और रेशे को क्या करेंगे, पहले इसमें हम गम डाल देंगे, जो हम क्या करने वाले हैं, या हमने इसमें गम डाल दिया है या चिपकाने वाला पदार्थ डाल दिया है इस तरह से, राइट, ये हमने चिपकाने वाला पदार्थ डाल दिया है, और इसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, जो हमें रेशे लेना है, यानी जो हमने रेशे लिए हैं उनको क्या करेंगे, इसी के ऊपर फिल कर देंगे, जो रेशे लिए हैं उसी के ऊपर फिल कर देंगे, तो जो हमारे चिपकाने वाले पदार्थ हैं वो अच्छे से इसको चिपका लेंगे, और चिपकाने से होगा क्या, देखिए आप लोग को भी दिख रहा है, एक ऐसा फॉर्म आ गया एक तरह से, डिजाइन यानी एक हमारी क्या हो गई, एक तरह की छपाई हो गई, जिसको क्या कहेंगे, फ्लॉक छपाई कहेंगे। किसका ये फॉर्म है, तो ये किसका फॉर्म है, हमारा प्रत्यक्ष छपाई का या डायरेक्ट छपाई का है। प्रत्यक्ष छपाई की जब आप बात करते हैं तो आपने देखा ही था कि इसमें कौन कौन सी हमारी छपाई आ रही है, जिसमें हम डायरेक्ट काम कर रहे थे, सीधे जाके कपड़े पे यानी हम अपना अप्लाई कर दे रहे हैं फॉर्म, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष छपाई। तो ये भी हमारी जो फ्लॉक छपाई है, ये भी आपने कपड़ा लिया और कपड़े पर डायरेक्ट रेजिन लगाया और रेजिन के ऊपर क्या कर दिया, अपने रेशे इस पे अप्लाई कर दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्लॉक छपाई कहलाएगी। और क्या इसमें होती है खासियत, रेजिन का प्रयोग कर देंगे, और रेजिन के प्रयोग के बाद क्या करेंगे, इसमें पहले आप रेजिन का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देंगे, उस पर चिपका देंगे, राइट। रेशे कैसे होते हैं, रेशे रंगीन होते हैं, अगर आप रेशे की बात करें तो रंगीन लेंगे, यानी मैं जिस तरह का मुझे जो स्ट्रक्चर देना होगा मैं वैसे ही रेशे इस पर यूज करूंगी, राइट। अब मुझे दो कलर देना है तो मैंने इस तरह से रेशे ले लिए हैं, इस तरह से अपना रेजिन डाला और उसके ऊपर अलग अलग कलर के रेशे डाल दिए, तो रेशे कैसे होंगे हमारे, रंगीन होंगे। कैसे रेशे होंगे, रंगीन रेशे होंगे, राइट। रंगीन रेशों से क्या करेंगे, जिन्हें क्या करते हैं हम, अब हम इनको चिपकाएंगे कैसे, कैसे चिपकाएंगे, ये तो हमारी घर की बात हो गई, अगर आप घरेलू उपयोग कर रहे हैं तो आप घर हाथ से ही इसको चिपकाएंगे, लेकिन अगर आप घर में इतना काम करेंगे कि आप इसको चिपकाएंगे तो ये इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। रोलर्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रेशों को आसानी से दबा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, इन पे एक दबाव पड़ जाता है और ये क्या हो जाते हैं, जो हमारा रेजिन है इस पे क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। यानी आपने कपड़ा लगाया, कपड़े के ऊपर रेजिन लगा दिया और रेजिन के बाद क्या कर दिया, रोलर्स में जो हमने अपने रेशे, रंगीन रेशे लगाए हुए थे या हमें जैसे डिजाइन देना था उस तरह के हमने रेशे लगा दिए और उसी रोलर्स को हमने इस कपड़े के ऊपर घुमा दिया है, जिससे क्या हुआ, जो रोलर्स में जो हमारे रेशे थे वो रेजिन में आके चिपक गए और हमारी एक तरह से क्या हो गई, छपाई हो गई, राइट। कैसे की जाती है ये, रोलर्स के थ्रू की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो हमारी फ्लॉक छपाई है या फ्लॉक प्रिंटिंग है किसके द्वारा की जाती है, तो रोलर्स के द्वारा की जाती है, राइट, रोलर्स के द्वारा, रोलर्स के द्वारा की जाती है। और रोलर्स के द्वारा कैसे की जाती है, तो इनको क्या किया जाता है, एक दबाव डाला जाता है, इनको दबा दिया जाता है, रेशों को दबा दिया जाता है, यानी आपने क्या किया, पहले आपने रेजिन ले लिया, रेजिन का छिड़काव कर दिया और इसके बाद क्या किया, आपने रोलर से क्या कर दिया, जो हमने रेशे लगाए हैं उसमें, उसके थ्रू उसको क्या कर दिया, एकदम से चिपका दिया। ये हमारी किसकी बात हो गई, फ्लॉक प्रिंटिंग की बात हुई है। चलिए अगली प्रिंटिंग पे बात करते हैं। अगली प्रिंटिंग की जब बात करेंगे तो देखेंगे ये हमारी कौन सी प्रिंटिंग है, वार्प प्रिंटिंग, क्या कहेंगे इसको, वार्प प्रिंटिंग। अब आप नाम से समझ रहे होंगे ना, जब हमने रेशे की बात की थी तो आपने देखा था हमने दो प्रकार के रेशे की बात की थी, वेप्ड रेशा, यानी कि आपने जब बात की थी वेप्ड और बार्प की बात की थी, तो आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बार्प की, राइट, किसकी बात कर रहे हैं, बार्प की बात कर रहे हैं। जब आप बार्प की बात कर रहे हैं तो इसको एक नाम से और जानते हैं, बार्प को हिंदी में क्या कहते हैं, ताना कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ताने की ही बात हो रही है कि आप ताने पे क्या करने जा रहे हैं, प्रिंटिंग करने जा रहे हैं। आपने ताना तैयार किया है और ताने पे क्या कर दिया है, छपाई कर दी है। मान लीजिए मैंने ताने अपने सेट कर दिए हैं, यहाँ हमने ताना सेट किया हुआ है और इसी ताने को क्या कर दिया हमने, जो हमें प्रिंटिंग चाहिए थी, जो हमें डिजाइन चाहिए थी, इसी पे हमने सेट कर दी है, इस तरह से हमने इसमें क्या कर दिया है,
डिजाइन डाल दी है अपनी ताने पर ही। अब अगर इससे हम कपड़ा तैयार करेंगे तो वो कपड़ा कैसा होगा, ऑटोमेटिक हमारा कैसा हो जाएगा, प्रिंट वाला निकलेगा। यानी हम ताने के फॉर्म में इसमें हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम ताने से अपना कपड़ा बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने कपड़ा बनाया इस तरह से, तो जो हमारा ये क्या है, ये हमारी पहले से प्रिंट की हुई है, ये क्या हो जाएगी, एक डिजाइन का फॉर्म ले लेगी, एक हमारी छपाई बहुत अच्छी हो जाएगी और ये देखने में कैसा लगेगा, तो बहुत सुंदर और आकर्षक लगेगा, राइट। तो ये हमारी क्या हुई, वार्प प्रिंटिंग को क्या कहेंगे, वार्प प्रिंटिंग। यानी नमूने आप किस पे तैयार कर रहे हैं, वार्प पर ही क्या कर देंगे, नमूने तैयार करेंगे। किस पे तैयार करेंगे आप नमूने, वार्प पर, वार्प यानी ताने पर डिजाइन के नमूने तैयार करेंगे। नमूने तैयार करते हैं, राइट। ये हमारा किस में आ जाएगा, वार्प प्रिंटिंग में आ जाएगा। और जो हमारा नमूना है, यानी जो हमने अपने ये अपने क्या लिए हैं, वार्प लिए हैं, और ये क्या है, इसमें आपने अगर कोई नमूना डाला है तो ये कैसा प्रभाव देगा, एक तरह से उभार वाला प्रभाव देगा, राइट। ये कैसा देगा, उभार वाला प्रभाव देगा। अगर आप ताने के फॉर्म में ही अगर प्रिंट कर दे रहे हैं तो इसको किस नाम से जानेंगे, वार्प प्रिंटिंग की। चलिए अगले प्रिंटिंग पे बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा प्रिंटिंग है। अब हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा था कि हमने पहले किसकी बात की थी, किसकी बात की थी, प्रत्यक्ष छपाई की, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट छपाई की बात की थी। ये तो हमने प्रत्यक्ष में बहुत सारी छपाइयां देख ली हैं, जिसमें आपने क्या क्या देखा था, रोलर देखा है, रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर आपने किस पे बात की है, राइट, फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग की बात की है, द्विपक्षीय की है, और आपने किस पे बात की है, वार्प, वार्प प्रिंटिंग। तो ये आपके किस में आ गई है, हमारी प्रत्यक्ष छपाई में आ गई। यानी आपने डायरेक्ट लिया और उसको क्या कर दिया, छपाई कर दी, यानी आपने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, तैयार कर दिया। जिसमें हमारा ये नाम भी याद रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा छपाई है जो हमारी किस में आ जाएगी, डायरेक्ट छपाई में आएगी या प्रत्यक्ष छपाई में आएगी। तो आपको नाम याद रखना है, रोलर्स भी आएगी, ब्लॉक भी आएगी, फ्लॉकिंग भी आएगी, द्विपक्षीय भी आएगी, और क्या आ जाएगी, हमारी प्रिंटिंग भी आ जाएगी, राइट, प्रिंटिंग भी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरी छपाई की, ये तो हमारी प्रत्यक्ष छपाई की बात हो गई। दूसरी हमने छपाई की बात की थी, अवरोधक छपाई, किस पे बात की थी, अवरोधक छपाई की, राइट, किस पे बात की थी, अवरोधक छपाई पे जब बात की थी, किसकी बात की थी, अवरोधक, अवरोधक छपाई जो होती है कैसी छपाई होती है, आप देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, उस छपाई को क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे अवरोध लगा देंगे, कुछ ऐसे तत्व लगा देंगे जिससे क्या हो जाएगा, जो आप कलर लगाने जा रहे हैं, जो आप प्रिंट करने जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, जिन स्थानों पे हमें जगह खाली छोड़नी है वो क्या हो जाएगी, उसको रोक देगी। यानी रोकने का मतलब ये है कि आपने कोई कपड़ा ले लिया है, ये आपने कोई कपड़ा लिया है और इसमें हमने कहीं कहीं क्या कर दिया है, एक तरह से अवरोधक यानी मोम को पिघलाकर डाल दिया है। अगर हमने मोम को पिघलाकर डाल दिया है तो ये हमारी कौन सी छपाई कहलाएगी, कौन सी छपाई कहलाएगी। अब अगर आप इस पे क्या करेंगे, कोई आप इस पे कलर फिल करेंगे तो जहां जहां हमने मोम लगा दिया है, ये हमने मोम लगा दिया है और ये सूख गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा कलर है जो उस पे नहीं चढ़ेगा, कलर इस पे नहीं जाएगा, बाकी बकाया कपड़े पे हमारा कलर लग जाएगा और ये जो हमारा नमूना है ये कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेस लगा के या किसी गर्म चीज से इसको क्या कर देंगे, मोम को हटा देंगे। जब हटा देंगे तो देखेंगे कि ये वाला भाग हमारा खाली हो गया है, यहाँ पे मोम लगी थी जिस वजह से यहाँ कलर नहीं लगा है, बाकी जो हमारा कपड़ा था वो कैसा हो गया है, रंगीन हो गया है। तो ये हमारा एक तरह से अवरोध कर देना, रोक देना, अवरोध का मतलब ही हो रहा है क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है एक तरह से कलर को जाने से जो हमें नमूना तैयार करना है। तो हमने अवरोधक की जब बात की थी तो इसमें देखा था कि हमारे कुछ तीन प्रकार की छपाइयां आ रही थी, जिसमें पहली छपाई हमारी क्या थी, डिस्चार्ज छपाई, डिस्चार्ज छपाई, किसकी बात कर रहे हैं आप, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं,
आप डिस्चार्ज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसी छपाई है, यानी इसमें आप क्या करने जा रहे हैं, आप वस्त्र को लेंगे और वस्त्र को क्या कर देंगे, रंगेंगे, यानी पूरी वस्त्र की अवस्था में ही इसको रंगेंगे। और रंगने के साथ साथ क्या करेंगे, कुछ ऐसे ब्रंजक या ब्लीच का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मैंने कपड़ा पहले से तैयार कर लिया है, इसका कलर मैंने देख लिया कि मुझे ब्लैक कलर इसमें क्या कर दिया है, कलर किया है, लेकिन मुझे इसमें डिस्चार्ज छपाई, डिस्चार्ज का मतलब कहीं ना कहीं से हमें हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम क्या ले लेंगे, दूसरा कोई रेजिन या ब्लीच ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जैसे मुझे कोई डिजाइन देनी है तो मैंने यहाँ का कलर साफ कर दिया है, यहाँ का कलर क्या कर दिया है, हटा दिया है। अगर हमने कहीं किसी कपड़े का कलर हटा दिया है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब ही हो रहा है, क्या हो रहा है, हटा देना। तो ये हमारी कैसी छपाई कहलाएगी, डिस्चार्ज छपाई, जिसमें आपने क्या किया है, पहले इसको कलर कर दिया है, बाद में क्या कर दिया है, ब्लीच से इसको, यानी जहां हमें जो नमूने चाहिए थे वहां की हमने क्या कर दिया है, कलर को हटा दिया है, और हटाने के साथ ये कैसा बन गया है, एक हमारी एक तरह की छपाई हो गई है, राइट। ये हमारी कैसी छपाई कहलाएगी, डिस्चार्ज छपाई। चलिए बात करते हैं डिस्चार्ज छपाई, चार्ज प्रिंटिंग, ऐसी प्रिंटिंग जिसमें आप क्या करेंगे, ऐसी प्रिंटिंग जिसमें वस्त्र की अवस्था में छपाई की जाती है, किसकी अवस्था में छपाई की जाती है, वस्त्र की अवस्था में, तो आपने देखा कि इसमें किस अवस्था में, अगर पूछे कि हमारी डिस्चार्ज छपाई में किस अवस्था में रंगाई की छपाई की जाती है, किस अवस्था में प्रिंटिंग करते हैं, वस्त्र की अवस्था में प्रिंटिंग करेंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें और क्या करते हैं, तो इसमें यानी आपने पहले क्या कर दिया है, छपाई कर दी है, नमूने अंकित किए हैं, के पश्चात क्या करेंगे, वस्त्र की अवस्था में रंग लिया जाता है, अब ऐसे समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, रंग लिया जाता है, तत्पश्चात क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, आप ब्रंजक का प्रयोग करेंगे, ब्रंजक या किसका करेंगे, ब्लीच का करेंगे, और इससे क्या करेंगे आप, ब्रंजक या ब्लीच से तो क्या करेंगे, कलर जो है, जहां हमें कलर, जहां हमें प्रिंटिंग देनी है वहां का क्या कर देंगे, रंग हटा देंगे, रंग हटा देंगे, हटा देंगे। आप लोग देखते हैं ना, जब हम लोग अपने ड्राइंग में भी ये सब करते थे ना, कि हमें जहां कलर कम चाहिए होता था, बाद में हम उस जगह का कलर क्या कर देते, धीरे धीरे अपना साफ कर देते, यानी हमने कोई अपनी ड्राइंग तैयार करते थे क्लास में, और उसमें देखते थे कि कोई अच्छा डार्क कलर हमने फिल कर दिया है, और हम चाहते हैं कि ये कैसा हो जाए, बाद में अगर हमें कहीं पे चाहिए है कि ये यहाँ से लाइट हो जाए, तो हम उसको कोई पतली सी चीज लेके उसके ऊपर इस तरह से हटा, यानी कि रफ कर देते थे ऊपर ऊपर का, तो वहां से कैसा कलर दिखने लगता था, लाइट हो जाता। या फिर अभी जो हमारे कलर भी आ रहे हैं, बच्चों के कलर भी देखते हैं ना, पहले बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं, एक जो उनका एक उपकरण भी होता है उसमें हटाने वाला, तो उसको क्या करते हैं, कलर को बाद में हटा देते हैं। इसी तरह से हमारी कौन सी छपाई है, डिस्चार्ज छपाई है, यानी पहले तो कपड़े को पूरा कलर कर देंगे, पहले जो आपने क्या किया है, पूरा कपड़ा लिया उसको क्या कर दिए, कलर कर दिए, और बाद में जहां हमें जो नमूना चाहिए था उसको आपने क्या कर दिया, बाद में उसको क्या कर दिया, हटा दिया। धीरे धीरे आपने पहले आपने जो नमूना जो कलर देना था वो दे दिया, और बाद में आपने क्या किया है, अगर मुझे कोई देना है, यानी मुझे यहाँ भी डिजाइन देनी है और यहाँ भी प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, पूरे कपड़े को कलर कर दूंगी और बाद में क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। तो ये कैसी छपाई हो जाएगी हमारी, डिस्चार्ज छपाई, पूरे अवस्था को रंग लिया है, पूरे वस्त्र की अवस्था में रंग लिया है, और उसके बाद हमने ब्रंजक। अब इसमें आप अगर ये पूछे कि हमारी जो डिस्चार्ज छपाई है इसमें हम किसके उपयोग से हम क्या करते हैं, अपने कलर को हटाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्रंजक का प्रयोग कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं, ब्लीच का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे, आप देखेंगे कि एक जिंक ऑक्साइड है, क्या है ये, जिंक ऑक्साइड,
जिंक ऑक्साइड, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कौन सी छपाई के लिए हम क्या करते हैं जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं या हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पहले तो आपको ब्रंजक देख लेना है, ब्लीच देख लेना है। अगर ब्रंजक और ब्लीच नहीं दिया है तो अगर जिंक ऑक्साइड दिया है तब भी आप उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, पेस्ट को क्या कर देता है, पेस्ट को हटाने का काम करता है, पेस्ट को क्या करता है, हटाने का काम करता है। यानी क्या करता है ये जो हमारा ये पेस्ट है, ये क्या कर देगा, रंग को हटा देगा। ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये पेस्ट है, जिंक ऑक्साइड का पेस्ट है। उसको आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको जो डिजाइन देनी है उस जगह पे आप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ये हमारी कौन सी छपाई हो गई, डिस्चार्ज छपाई। चलिए अगली छपाई की बात करते हैं, अगली छपाई हमारी कौन सी है, अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई क्या कहते हैं इसको, अवरोधक को, रजिस्टर्ड प्रिंटिंग। रजिस्टर्ड प्रिंटिंग राइट, अवरोधक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी कैसी छपाई होती। पहले तो आप इसको देख लेंगे, रखते भी अवरोधक में ही है, फिर हम इसको रजिस्टेंट अलग से भी पढ़ लेते हैं। यानी एक तरह से इसका टाइप भी होता है कि ये किस में आ जाती है, हमारी प्रत्यक्ष और अवरोधक में आती है। फिर जब अवरोधक की भी बात करते हैं तो उसमें अभी हमारी डिस्चार्ज छपाई, बाटिक छपाई और कौन सी आ जाती है, अवरोधक छपाई। तो आपको ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा कि बाटिक छपाई निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका उदाहरण है, हमारा अवरोधक का है। अगर अवरोध या रेजिस्टेंट की भी बात करें तो आपको याद रखना है कि किसकी बात कर रहा है, अवरोध की ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अवरोधक छपाई की ही बात कर रहा है, रजिस्टर्ड छपाई प्रिंटिंग क्या कहेंगे इसको, रजिस्टर्ड प्रिंटिंग। ये कह रहा है कि ऐसी छपाई होती है जिसमें आप क्या करते हैं, बिल्कुल, यानी आपने अभी देखा था ना, हम किसका बात कर रहे थे, डिस्चार्ज की बात कर रहे थे। ये डिस्चार्ज का बिल्कुल उल्टा है, यानी डिस्चार्ज में आपने जो कपड़ा तैयार किया था इसमें क्या कर रहे थे, आप पहले कपड़े को पूरा कलर कर ले रहे थे और इसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसको एक जगह से जहां हमें जो नहीं चाहिए था, जहां हमें अपनी डिजाइन बनानी थी, वहां हम क्या कर रहे थे, इस कलर को क्या करते जा रहे थे, हटाते जा रहे थे। मान लीजिए मुझे इस तरह की कोई डिजाइन चाहिए है, तो हमने क्या किया, यहाँ का इस तरह से अपनी डिजाइन को, यानी यहाँ के कलर हटा दिए और ये हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हमारी डिस्चार्ज छपाई। लेकिन आप इसकी अगर अवरोधक छपाई की बात करेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि हमने क्या लिया, ये कपड़ा लिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, मोम को पिघलाएंगे और मोम को पिघलाकर हम पहले से ही अपने कपड़े पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। यानी हमने मोम को पिघलाया और क्या किया, अपने कपड़े पे पहले से ही फिल कर दिया। मुझे कोई नमूना चाहिए था, कोई डिजाइन चाहिए थी, मुझे इस तरह की कोई डिजाइन चाहिए है, तो मैंने क्या किया, पहले मोम ली और मोम को क्या कर दिया, इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है। राइट, ये हमने क्या कर दिया है, मोम को तरफ से फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाद में हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। बाद में क्या कर देंगे, इस कपड़े को, पूरे कपड़े को कलर में डुबो देंगे या उसको पेस्ट, पूरे पे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, यानी अब जो सूख जाएगा बाद में इसको सुखा देंगे, और सुखाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मोम था, जो हमारा पेस्ट था, उसको हम क्या करेंगे, पहले रख देंगे, उसके ऊपर एक पेपर बिछाएंगे और पेपर के बाद हम क्या कर देंगे, गर्म प्रेस लगा देंगे उसके ऊपर, जिससे ये जो मोम है ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और जब ये मोम पिघल जाएगी तो यहाँ पर रंग खाली हो जाएगा, यानी पूरा कलर हमने रंग दिया था, मोम ऐसी जगह थी जहां क्या होगा, कलर फिल होने से छूट गया, यानी वहां कलर अवशोषित नहीं हो पाया है मोम की वजह से। अब अगर हम इसको धोएंगे या इसको साफ कर देंगे मोम को, तो जो जहां जहां हमने क्या लगाई है, अपनी मोम लगाया है, वहां वहां ये कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले कलर कर रहे हैं बाद में इसको छुड़ा रहे हैं, कलर कर रहे हैं बाद में छुड़ा रहे हैं, तो कौन सी छपाई हो गई, डिस्चार्ज छपाई, डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। राइट, अवरोधक या रजिस्टेंट क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेट कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, पहले इस पर क्या कर दे रहे हैं, मोम लगा दे रहे हैं, पहले आपने इसको रजिस्ट्रेट कर दिया है और बाद में क्या कर दे रहे हैं, उस मोम को हटा दे रहे हैं, तो हमारा कैंसी प्रिंटिंग आ जाएगी, अवरोधक छपाई या रजिस्ट्रेट प्रिंटिंग हो जाएगी।
कौन सी प्रिंटिंग हो जाएगी? रजिस्टर्ड प्रिंटिंग, राइट। किस किस का प्रयोग करते हैं? ये हमारा जो तरीका है कैसा है? सबसे पुराना तरीका है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारा जो अवरोधक छपाई है, रजिस्ट्रेंट छपाई है, ये वर्तमान की छपाई है कि पहले की छपाई है कि मध्य छपाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुरानी छपाई की अगर बात करें तो कौन सा है हमारा? अवरोधक है, राइट। अगर प्रत्यक्ष में बात करते हैं तो हमने कौन सी छपाई देखी थी? ब्लॉक छपाई, यानी ब्लॉक के द्वारा हम क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? अवरोध कर रहे थे। तो वो हमारी ब्लॉक किस में आ गई थी? प्रत्यक्ष में आ गई थी। लेकिन अवरोधक छपाई की अगर बात करें तो हमारी जो अवरोधक छपाई है ये कैसी होगी? सबसे पुराना होगा, पुरानी छपाई है। पुरानी छपाई है ये क्या करती है, राइट, ये क्या करती है? बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, मोम को हटा देते हैं, रजिस्ट्रेड को हटा देते हैं। कपड़े पर क्या होता है? रंग अवशोषित नहीं होता है। मोम को पिघला लेते हैं, लगा देते हैं, इससे रंग उस भाग में अवशोषित नहीं होता है जहां आप क्या करना चाहते हैं, रंग करना चाहते हैं, जहां आप कलर करना चाहते हैं वहां कलर हो जाता है। और जहां आप क्या चाहते हैं कि ये जगह मेरी कैसी हो जाए, मुझे इस जगह में प्रिंटिंग चाहिए है, तो आप क्या कर देंगे, उसको आप छोड़ देंगे, यानी उसमें आप मोम लगा देंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा रंग है वो रंग क्या हो जाएगा, उसमें अवशोषित नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं होगा, और हमारा नमूना बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, राइट। यह छपाई हमारी एक तरह से इसको क्या कहते हैं, रोकना कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? रोकना, यानी हमने इसमें क्या कर दिया है, रोकना। क्या कहेंगे इसको? रोकना। डिस्चार्ज को आप क्या कर रहे थे? हटाना। डिस्चार्ज का मतलब हटा देना, और अवरोधक यानी कि रेजिस्टेंट का मतलब है रोक देना। आपने वहां रंग जाने से रोक दिया है। ये हमारी किस छपाई का प्रकार है? तो किसका है? बाटिक छपाई, सॉरी अवरोधक छपाई का है, रेजिस्टेंट छपाई का है, राइट। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे आपने कलर पे क्या कर दिया है, यानी मोम लगा दी है, जिससे क्या हो गया है, जाने से रुक जाता है, राइट। फिर हम बात करेंगे, अवरोधक की भी बात करेंगे। तो अवरोधक में हमारे कुछ टाइप है, जिसमें आप देखेंगे बाटिक छपाई है। बाटिक छपाई क्या होती है? टाई एंड डाई होगी इसके अंदर, राइट। तो चलिए अगली प्रिंटिंग पे बात करते हैं, इसमें कुछ और भी आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम अपने रेजिस्टेंट छपाई की। इसमें हम जो अपने मोम लगाते हैं, जब आप रजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कौन से पदार्थ हैं? चिपकाने वाले पदार्थ, सॉरी हटाने वाले पदार्थ, जहां आप क्या कर रहे हैं, अवरोधक लगा रहे हैं। तो अवरोधक पदार्थ हमारे कौन से होंगे? अवरोधक पदार्थ कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। मोम है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो हमारा क्या है, अवरोधक पदार्थ है। तो अब अगर आपको पता है कि हम इसमें कौन कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो मोम हो गया, और हमारा कौन सा है, स्टेंसिल हो गया। स्टेंसिल, स्टेंसिल को भी आप क्या करते हैं, अवरोधक के रूप में लगाते हैं। स्क्रीन को भी लगाते हैं, ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा कैसा है, अवरोधक है, राइट। ये हमारा कैसे काम करते हैं, रंग को रोकने का काम करते हैं, ये अवरोधक का काम करते हैं। और बाद में आप क्या करते हैं, इसको बाद में क्या करते हैं, साबुन और पानी से क्या कर देते हैं, इसको धो देते हैं। साबुन और पानी से क्या कर देते हैं, जब आपका कलर हो जाता है, सूख जाता है कपड़ा, तब आप इसको क्या करेंगे, अगर आप मोम लगा रहे हैं तो मोम को क्या करेंगे, मोम को आप क्या करेंगे, गर्म से हटाएंगे, यानी आप उस पर बाद में प्रेस करके भी हटा देंगे। अगर आप स्टेंसिल या स्किन का प्रयोग कर रहे हैं, तो साबुन और पानी से क्या कर देंगे, धोकर हटा देंगे, हटा देंगे। ये हमने किसकी बात की है, अवरोधक की बात की है। अब हम बात करते हैं बाटिक छपाई की। बाटिक छपाई का ही हमारा टाइप क्या है, बाटिक छपाई।
छपाई हमारी क्या होती है? इसमें हम क्या कहते हैं, पहले डिजाइन के नमूने बना लेते हैं वस्त्र पर। वस्त्र पर क्या करेंगे, डिजाइन के नमूने तैयार करते हैं। और बाद में क्या करेंगे, हम इस पर कलर करेंगे। अब नमूने में हमें जो भाग सफेद रखना होता है, यानी आपने क्या किया, मान लीजिए मैं ये कपड़ा ले ली हूं और इसमें मुझे कुछ डिजाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ हमने नमूना तैयार कर लिया है। ये हमने नमूना पहले से तैयार करके रखा है कि यहाँ हमें क्या बनाने वाले हैं, कुछ डिजाइन बनाने वाले हैं। और इस पर क्या करेंगे आप, राइट, ये आपने नमूना ले लिया है। अब आप इस पर क्या करेंगे, अब आपको जहां जहां कलर नहीं चाहिए है, जहां जहां आपको कलर नहीं चाहिए है, यानी मुझे इसके अंदर कलर बिल्कुल नहीं चाहिए है, इसके अंदर बिल्कुल कलर नहीं चाहिए है, बाकी कपड़ा मुझे कैसा करना है, रंगीन करना है। ये हमारा एक अवरोधक का ही रूप है, यानी हमने इसमें भी एक अवरोधक का ही प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मोम लगा दिया है। ये हमने नमूने तैयार कर लिए और इसके ऊपर फिर बाद में क्या कर दिया है, मोम अप्लाई कर दिए। मोम सूख जाने के बाद क्या हो जाएगी, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। अब मोम सूख चुका है और सुखाने के बाद इसमें क्या हो जाएगी, इस तरह से दरारें पड़ जाएंगी, इस तरह से दरारें पड़ जाएंगी। अगर ये दरारें पड़ जाती हैं, अब अगर आप इसको कलर करेंगे तो जो दरारें हैं उसमें भी क्या हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा, कहीं पे कलर फिल हो जाएगा और कहीं पे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। यानी जो दरारों वाला भाग है, मान लीजिए मैंने ये मोम लगाया है, ये क्या हो गया, इसमें दरारें पड़ गई, इस तरह से फट गया है वो। आप देखते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने कहीं अगर लगा के छोड़ दिया है, बाद में देखेंगे वो सूखने के बाद क्या हो जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो वही चीज इसमें भी हुआ है, आपने मोम लगा दी है और मोम जब कपड़े पे सूखा है तो उसमें कुछ दरारें जैसे आ गई है, इस तरह से दरारें आ गई है। और अब अगर इसको आप कलर करेंगे तो जो हमारी दरारें हैं उसमें क्या हो जाएगा, कलर भर जाएगा। बाकी जगह अगर हमने मोम पहले से लगा के रखा है, मान लीजिए आप ये एक और कपड़ा देख लीजिए, ये आपने लिया है और इस पूरे कपड़े पे आपने क्या कर दिया है, मोम का प्रयोग कर दिया है। आपने पूरे कपड़े पे अगर मोम लगा दिया है, ये हमारा कपड़ा है, इसमें आपने पूरे पे मोम लगा दिया है, अब ये सूखने के बाद कई तरीके की दरारें आ सकती हैं, इस तरीके से आ सकती हैं। अब आप देखिए, अगर आप इस पे कलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां हमने दरारें डाल, यानी जिस पे अगर दरारें पड़ गई हैं, इस तरह से अगर दरारें पड़ गई हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कलर अप्लाई हो जाएगा, कलर अवशोषित हो जाएगा, राइट। यहाँ अगर कलर अवशोषित हो रहा है तो ये एक तरह से देखिए, आप जब कलर छूटेगा, जब आप इस मोम को हटाएंगे तो ये देखिए आप इसमें बहुत अच्छा नमूना बनके तैयार हो रहा है। आपने इसमें क्या किया है, आपने इसमें क्या कर दिया है, पहले से मोम लगा दिया है। और मोम जब आप जब बाटिक की बात करेंगे ना, तो आपको ये देखना है कि मोम सूखने के बाद दरारें बनाएगा। जब आप अवरोधक की बात कर रहे हैं तो वो अवरोधक का ही रूप है, उसमें आप सिर्फ मोम का ही प्रयोग बताएंगे कि हम मोम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, मोम एक फट जाएगा, यानी कि मोम में क्या पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी। और इससे क्या हो जाएगा, जब हम कलर फिल करेंगे तो इनमें कलर भर जाएगा, बाकी वस्त्र में हमारा क्या हो जाएगा, कलर छूट रह जाएगा, बकाया रह जाएगा। तो आप जब इसको साफ करेंगे तो ये वाला भाग हमारा कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, इस तरह से ये रंगीन हो जाएगा। ये वाला भाग जहाँ क्या हो गया है, हमारा मोम हट गया है, यानी फट इसमें दरारें पड़ गई थी, ये कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। और बाकी कपड़ा हमारा कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बाकी कपड़ा, यानी बाकी कपड़ा मान लीजिए मुझे सफेद कलर पहले मैंने इस पे क्या कर दिया है, मैंने कोई अच्छा सा कलर डाला है और अगर यह फट गया है तो इसमें अगर ग्रीन कलर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका कलर फिल हो जाएगा और बाकी कपड़ा इससे क्या हो जाएगा, रंग से, यानी इसमें रंग अवशोषित नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं।